नमस्कार, मैं हरिराम किवाड़ा आपके साथ मुद्दे की बात जेवीपी मीडिया ग्रुप के साथ फिर से हाजिर हूं। और बात है, आज करेंगे हम राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की, जो देश का सबसे बड़ा खेलों का महाकुंभ है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुभंकर का अनावरण करके और थीम सॉन्ग की लॉन्चिंग के साथ में किया, जिसके कार्यक्रम का संचालन करने का मुझे सौभाग्य मिला। कार्यक्रम का दायित्व खेल विभाग को और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद को दिया गया है, जिसमें राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की माननीय अध्यक्षा डॉक्टर कृष्णा पूनिया स्वयं खिलाड़ी है, पद्मश्री से अवार्डी है, अर्जुन अवार्डी है और ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता है। साथ ही राजस्थान के मुख्य खेल अधिकारी वीरेंद्र पूनिया, जो बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं, बहुत अच्छे कोच हैं, बहुत बेस्ट खिलाड़ी रहे हैं और संगठन का और खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन का बहुत शानदार उनको अनुभव है। इसके साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर यह प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है 29 अगस्त से। इसमें 6 प्रकार के खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया वो कबड्डी में करवाया है, उसके बाद खो खो में, चूँकि खो खो केवल फीमेल के लिए है इसलिए उसमें केवल बालिकाओं और महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया, वो भी 5 लाख से अधिक प्रदेश की महिलाओं ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया। तो खो खो और कबड्डी के बाद में टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल जैसे खेल भी उसमें शामिल हैं। और इन खेलों से जो वातावरण तैयार किया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिए जाए। इसमें उम्र का कोई बंधन नहीं है कि 8 साल से लेकर और अधिकतम जितने भी बुजुर्ग अवस्था में जो भी लोग हैं वो भी इसमें खेल सकते, उम्र का कोई बंधन इसमें नहीं रखा गया है। ये अपने आप में बड़ी है। जिस तरीके के वीडियोज ग्राउंड से प्रैक्टिस के आ रहे हैं, उसमें ग्रामीण महिलाएं खो खो कबड्डी खेल रही है, अन्य खेल खेल रही है, या बुजुर्ग वरिष्ठ जन जो खेल हंसते हुए खेल रहे हैं, उनका एनर्जेटिक पावर देखकर ऐसा लगता है कि खेल हम सबको प्रेम और सद्भाव तो सिखाता है, बाकी हमारी आंतरिक ऊर्जा को भी बढ़ावा देने वाला है। इसके लिए सारे दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। 40 करोड़ रुपये से अधिक का बजट मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए स्वीकृत किया है और वो संबंधित विद्यालय और ग्राम पंचायत के माध्यम से वितरित किया जा चुका है और उसकी पूरी तैयारियां है। उसके बाद में नेक्स्ट फेज ग्राम पंचायत के बाद में पंचायत स्तर का होगा। लगभग 388 ब्लॉक में ये प्रतियोगिता आयोजित होगी। उसका नेक्स्ट फेज फिर जिला स्तर पर होगा और उसके बाद में फिर राज्य स्तर पर महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती 2 अक्टूबर से जयपुर में शुरू होगा राज्य स्तरीय समारोह। और उस राज्य स्तरीय की प्रतियोगिता का एक विराट रूप हम सबको देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने अपनी विशेष अपील में भी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भाग लेने का आह्वान किया है और अपने आप में ये देश का सबसे बड़ा खेलों का महाकुंभ है। आप सब भी इसमें देखिए, इसमें बीच बीच में खेलों के साथ में शाम को सांस्कृतिक संध्या आयोजन का प्रावधान रखा गया है, उससे आप जुड़िए। बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन, बहुत सारे NGOs, बहुत सारे सामाजिक सरोकारी व्यक्तित्व इससे जुड़ रहे हैं, जो कोई प्राइज दे रहा है, कोई विशेष रूप से खेल किट दे रहे हैं, तो विशेष रूप से जुड़ रहे हैं। तो हम सबको जोड़ने का, ग्रामीण समुदाय में सामाजिक समरसता का ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। खेलिए, जुड़िए, आनंद लीजिए और जो भी अपनी महत्वपूर्ण राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आगे किस मुद्दे पर हम अच्छी तरीके से बात कर सकें, आपकी रुचि का विषय भी आप उसमें लिखिए। कोई विशेष महत्वपूर्ण मुद्दा हो तो आप डिटेल भेजिए, कोई विशेष व्यक्ति हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं या उसके ऊपर आप चर्चा करवाना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। नमस्ते, फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छे खास चर्चित मुद्दे के साथ में।